हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं और उनसे सबसे पहले समझेंगे कि आज फंडामेंटल लिहाज से कौन से स्टॉक अच्छे नजर आ रहे हैं, और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का वीआईपी शेयर। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपके तरफ से आज का पिक कौन सा होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। आज का पिक होगा रूट मोबाइल, जो मार्केट्स में इंडिया में हमें पसंद आ रहा है। दो तीन वजह, एक आई थिंक जो पूरा सीपैस मार्केट है वो $16 बिलियन से $42 बिलियन हो सकता है अगले कुछ वर्षों में। रूट मोबाइल की फाइनेंशियल की जहाँ तक बात रही, टॉप लाइन ग्रोथ 55% से ग्रो हुई है पिछले साल 3,560 करोड़ के आसपास। बॉटम लाइन में 66% की ग्रोथ दिखी गई है, और ये ग्रोथ लार्जली एट्रीब्यूटेड इसलिए है क्योंकि सीपैस मार्केट इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है अगले कुछ वर्षों के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उनके बुक पे ऑलमोस्ट 580 करोड़ के हैं, जो अच्छा खासा सहारा देते हैं बहुत ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन एंड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप एक डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं। जहां तक कैश फ्लो का सवाल रहा, मुझे लगता है टॉप लाइन ग्रोथ बरकरार रहेगी अगले वर्ष के लिए। EBITDA मार्जिन है 12.8% के आसपास, वो बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। ग्लोबल प्लेयर जैसे सिंच है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है सीपैस मार्केट का, और लिंक मोबिलिटी, उनके मार्जिन 8.4 और 9.6% के आसपास है, और इसलिए आई थिंक जो इनका परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग लेवल पे ये काफी शानदार है। मुझे लगता है आई थिंक रूट मोबाइल एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद द डिजायर्ड टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस सेट क्रिएट कर। रूट मोबाइल पर नज़र रखिए, आज 2% नीचे है, लेकिन इन स्तरों पर खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं, आप यहाँ पर नज़र रखिए। थैंक यू मयूरेश आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब आगे